आज 9 जनवरी सन 66 का पहले क्लास। टुडे इट इज द मॉर्निंग क्लास डेटेड 9th जनवरी 1967। रिकॉर्ड चला है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। द रिकॉर्ड प्लेड इज ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। हु केम अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे। ओम शांति। ओम शांति। सवेरे कितने बजे होते हैं? एट व्हाट टाइम इज इट मॉर्निंग? तीन बजे। समवन सेड 3 AM। 3 बजे सवेरा होता है। इज इट मॉर्निंग एट 3 AM? Someone said, when it is the golden age, it is morning. Satyaguru ki savera hota hai. It is morning in the form of the golden age. Lekin pucha hai, kitne baje savera hota hai? But it was asked, at what time is it morning? Savere, arthat kitne baje aate hai? Morning means, at what time does he come? Koi ne kaha 3 baje. Someone said 3 AM. कोई नहीं कहा, किसने कहा था 3 बजे? Someone said, who said 3 AM? 3 बजे। कोई नहीं कहा 3 बजे? 3 AM, yes, someone said at 3 AM. कोई ने कहा 4 बजे? Someone said at 4 AM. कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। Someone said in the confluence age and someone said at 12 PM. बाबा तो एक्यूरेट पूछते हैं। बट बाबा आस्क फॉर द एक्यूरेट आंसर। इस तरह की बातें बता दी। दे रिप्लाइड इन दीज वेज। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं कितने बजे आते हैं। बाबा आस्क फॉर द एक्यूरेट आंसर फॉर द क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम डज ही कम? सवेरे कितने बजे होते हैं? एट व्हाट टाइम इज इट मॉर्निंग? 12 बजे को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते। You cannot say it to be morning at 12 PM. तुम नहीं कह सकते। You cannot say so. क्या? What? कौन नहीं कह सकते? Who cannot say so? तुम सवेरा नहीं कह सकते। You cannot call it morning. फिर कौन कह सकता है? Then who can say so? है? विदेशी। Someone said विदेशी। विदेशी कह सकते हैं? Can विदेशी, that is the foreigner, say it? तुम सवेरा नहीं कह सकते। You cannot call it morning. यह सवेरा कह सकते? Can this one call it morning? यह हमारा कौन? This one means who? Someone said ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा कह सकते कि रात के 12 बजे सवेरा होता है? Can ब्रह्मा बाबा say that it is morning at night 12 o'clock? Someone said no. क्यों? कृष्ण और क्राइस्ट की राशि नहीं मिलाई जाती? वाई इज इंट द हॉरोस्कोप ऑफ कृष्णा एंड क्राइस्ट मैच्ड? हैं? कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है ना? द हॉरोस्कोप्स ऑफ कृष्णा एंड क्राइस्ट आर मैच्ड, aren't they? क्यों मिलाई जाती है? वाई आर दे मैच्ड? हैं? क्योंकि कृष्ण की सोल बीज रूप स्टेज को धारण करती है। इट इज बिकॉज द सोल ऑफ कृष्णा टेक्स ऑन द सीड फॉर्म स्टेज। जब राम बाप अर्थात प्रजापिता के 100 साल पूरे होते हैं। व्हेन 100 ईयर्स ऑफ द फादर राम मीनिंग प्रजापिता आर कम्प्लीटेड। उससे पहले तो बीज रूप स्टेज नहीं धारण करती। ही डज नॉट टेक ऑन द सीड फॉर्म स्टेज बिफोर दैट, डज ही? बीज रूप स्टेज पूरी धारण करती है। Does he take on the seed form stage completely? या बीच में सूक्ष्म शरीर भी लेना पड़ता है। Or does he also have to take on the subtle body in between? जब प्रजापिता के 100 साल पूरे होते हैं। When 100 years of Prajapita are completed? कब? When? 76 में। In the year 76। तो 76 में कृष्ण की सोल बीज रूप स्टेज धारण करती है। So the soul of Krishna takes on the seed form stage in 76. Sampurna nahi. Not completely. Kabhi kabhi
सूक्ष्म शरीर में गुलजार दादी के प्रवेश शरीर में प्रवेश करके भी पार्ट बजाती। Sometimes he also plays the part through the subtle body entering in the body of Dadi Gulzar. तो कृष्ण की आत्मा की संपूर्णता की शुरुआत कब से कही जाए? So from when should we call it the beginning of the completeness of the soul of Krishna? Someone said 76. 76 से? From 76. ठीक है, क्योंकि बाप पहले बच्चों को आगे रखेगा। All right, because will the father keep the children ahead first? या खुद आगे हो जाएगा? Or will he himself move ahead? Students, he will keep the children ahead. तो पहला बच्चा कौन? Therefore, who is the first child? कृष्ण बच्चा। Child Krishna. तो राम बाप माना प्रजापिता ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी हुई। So when 100 years age of the father Ram, meaning प्रजापिता ब्रह्मा, is completed, माना उसका नया जन्म शुरू हुआ। It means a new birth began for him. क्योंकि ब्रह्मा 100 साल की अवस्था में खलास हो जाता है। It is because Brahma finishes in the age of 100 years. 100 साल पूरे हुए। When 100 years are completed, Brahma ka mrityu lok jaise pura hua. In this way, the mrityu lok, meaning world of death, is completed for Brahma. अब कृष्ण की सोल को आधार मिल जाता है संघ के रंग का। And the soul of Krishna finds the support of the color of the company. तो वो भी बीज रूप स्टेज पकड़ने लग पड़ते हैं। Therefore he too starts to take on the seed form stage. तो उस समय कितने बजते हैं ब्राह्मणों की संग अभी की दुनिया में? So what time is it in the confluence age world of Brahmins at that time? 12 बजते हैं। Is it 12 PM? या सवेरा हो जाता है? Or is it already morning? 12 बजते हैं या सवेरा हो जाता है? Is it 12 PM or is it already morning? 12 बजते हैं। It is 12 PM. लेकिन विदेशियों में सवेरा कितने बजे से माना जाता है? But from what time is it considered to be morning among the Videshis? Everyone said 12 PM. 12 बजे के बाद घड़ी की शुरुआत हो जाती। The morning begins after 12 o'clock night. 1 AM, 2 AM. They say 1 AM, 2 AM. तो क्रिश्चियंस ने ये बात कहाँ से उठाई? So, from where did the Christians pick this topic? किसको फॉलो किया? Whom did they follow? कृष्ण की सोल को फॉलो किया। They followed the soul of Krishna. उसकी भी आत्मा में सवेरे की शुरुआत वहाँ से होती है। In that soul as well, the morning begins from that time. लेकिन तुम, but you, ये तो उनकी बात हुई, इनकी बात हुई। That topic was regarding them, these ones. लेकिन तुम रात के 12 बजे को सवेरा नहीं कहेंगे। But you will not call 12 o'clock at night as morning. कह नहीं सकते? You cannot say this at all. 12 बजकर 1 सेकंड हुआ अथवा 1 मिनट हुआ। If it is 1 second or a minute past 12 o'clock, तो AM अथवा सवेरा शुरू हुआ। Then AM meaning morning began. किसका? For whom? है? कृष्ण की सोल के लिए सवेरा शुरू हुआ। Morning began for the soul of Krishna. शुरू हुआ? यह सवेरा हुआ। Did it begin or was it already morning? शुरू हुआ। It began. माना परसेंटेज में ये कहेंगे। Meaning, it will be said that in some percentage कि सूर्य जो पूरा डूब चुका था वो डूबने से अब थोड़ा ऊपर आना शुरू हुआ। The sun, which was set completely, started rising a little.
माने क्रिश्चियंस के लिए घोर अंधेरी रात जो है वो पूरी हुई. इट मीन्स दैट द एक्सट्रीमली डार्क नाइट फॉर द क्रिश्चियंस वॉज कम्प्लीटेड. पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना की शुरुआत की घोषणा कौन से वर्ष के लिए की गई थी? द डिक्लेरेशन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड एंड द बिगिनिंग ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड वॉज मेड फॉर विच ईयर? संक्षेत्र के लिए मुरली में की गई. इट वॉज मेड इन द मुरलीज फॉर द ईयर 76. चित्रों में भी छपा दिया गया. इट वॉज प्रिंटेड इन द पिक्चर्स एज वेल. तो उसका राज ये था. सो दिस वॉज इट्स सीक्रेट. बाकी ऐसे नहीं है कि 500-700 करोड़ की मनुष्य सृष्टि की दुनिया में कोई सवेरा शुरू हो गया. एज फॉर द रेस्ट इट इज नॉट दैट द मॉर्निंग स्टार्टेड इन द वर्ल्ड ऑफ द 5-7 billion ह्यूमन बींग्स. या रात्रि समाप्त हो गई और द नाइट फिनिश्ड. या ज्ञान रात्रि खत्म हो गई और द नाइट ऑफ इग्नोरेंस फिनिश्ड. या नई दुनिया की शुरुआत हो गई और द न्यू वर्ल्ड स्टार्टेड. वो सिर्फ किसके लिए कहेंगे? इट मीनिंग मॉर्निंग विल बी सेड ओनली फॉर हुम? कृष्ण की सोल के लिए कहेंगे. इट विल बी सेड फॉर द सोल ऑफ कृष्णा. वो ज्ञान चंद्रमा में थोड़ी सी रोशनी की लीक आ गई. अ स्मॉल लाइन ऑफ लाइट अपियर्ड ऑन द मून ऑफ नॉलेज. मस्तक शंकर के मस्तक पर जो चंद्रमा दिखाया जाता है वो लिंक वाला चंद्रमा दिखाया जाता है. इज द मून दैट इज शोन ऑन द फोरहेड ऑफ शंकर अ क्रिसेंट मून. यह संपूर्ण पूर्णमासी का चंद्रमा दिखाते हैं लिंक आगे. और इज अ कम्प्लीट मून द फुल मून शोन अ क्रिसेंट अपियर्ड. तो 12:01 हुआ तो कहेंगे सवेरा. सो इफ इट इज 1:12 एट नाइट इट विल बी कॉल्ड मॉर्निंग. बिल्कुल सवेरे है ना. इट इज एब्सोल्युटली मॉर्निंग इज इट नॉट? ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है. द पार्ट ऑफ दीज वंस इज एब्सोल्युटली एक्यूरेट इन द ड्रामा. किनका? हुस? सवेरे में आने का पार्ट इनका बिल्कुल एक्यूरेट है. द पार्ट ऑफ दीज वंस ऑफ कमिंग इन द मॉर्निंग इज एब्सोल्युटली एक्यूरेट. इनका माने किनका? दीज वंस मीन्स हुस. इसका नहीं. नॉट ऑफ दिस वन. इनका. ऑफ दीज वंस. किनका किनका? ऑफ हुम? राम और कृष्ण का. ऑफ राम एंड कृष्णा. सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती. देर कैनॉट बी डिले ऑफ इवन अ सेकेंड. ये ड्रामा अनादि बना हुआ है. दिस ड्रामा विच इज मेड इज इटर्नल. 12:01 जब तक नहीं हुआ है. अंटिल इट इज 1:12 एट नाइट. तो AM नहीं कहेंगे. इट वोंट बी सेड AM. ये बेहद की बात है ना. इट इज एन अनलिमिटेड टॉपिक इजंट इट? हद के सवेरे की बात नहीं है. इट इज नॉट अबाउट द मॉर्निंग इन अ लिमिटेड सेंस. वो तो रोज होता रहता है. इट हैपेंस एवरी डे. और ये सवेरा? एंड दिस मॉर्निंग? बेहद का सवेरा है. इट इज द मॉर्निंग इन एन अनलिमिटेड सेंस. माने बेहद नाटक ड्रामा की जो घड़ी है. इट मीन्स इन द अनलिमिटेड प्ले द क्लॉक ऑफ द ड्रामा. 5,000 वर्ष की घड़ी. द क्लॉक ऑफ 5,000 ईयर्स. उसमें ये बेहद का सवेरा है. इट इज मॉर्निंग इन एन अनलिमिटेड सेंस इन इट. बाप कहते मैं आता ही हूँ सवेरे सवेरे. द फादर सेज आई डू कम अर्ली इन द मॉर्निंग. क्या गीत था? वॉट वॉज द सॉन्ग प्लेड? कौन आया सवेरे सवेरे? हु केम अर्ली इन द मॉर्निंग? विलायत वालों का PM AM ये एक्यूरेट चलता है. द PM एंड AM ऑफ द फॉरिनर्स इज एक्यूरेट. किसका?
भारतीयों का नहीं, नॉट ऑफ द पीपल ऑफ भारत, विलायत वालों का एम एक्यूरेट, द एम ऑफ द फॉरिनर्स इज एक्यूरेट। एक सेकंड हुआ और एम शुरू हुआ। एम स्टार्ट्स एज सून एज इट इज 1 सेकंड पास्ट 12 o'clock एट नाइट, और रात्रि के 12 बजने में एक सेकंड भी कम है, एंड इफ इट इज इवन 1 सेकंड लेस फॉर 12 o'clock एट नाइट, तो क्या कहेंगे? पीएम। व्हाट विल दे कॉल इट? पीएम। हिंदुस्तानियों की कोई भी बात एक्यूरेट नहीं होती है। Nothing of the people of Hindustan is accurate. कोई भी काम करेंगे तो accurate time पर शुरू नहीं करेंगे। If they do some work, they will not begin it at an accurate time. और विदेशी time के बड़े punctual होते हैं। While the foreigners are very punctual with respect to time. ये बात कहाँ से उठाई? From where did they develop this habit? है? ये बात भी संगम युग से उठाई गई है। दिस हैबिट वॉज ऑल्सो डेवलप्ड फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस एज। कृष्ण और क्राइस्ट की जो राशि मिलाई जाती है, द हॉरोस्कोप्स ऑफ कृष्णा एंड क्राइस्ट आर मैच्ड, वो यहाँ की बात है। इट इज अबाउट हियर। तो हिंदुस्तानियों की कोई बात एक्यूरेट नहीं होती है, उनकी बुद्धि इन हिंदुस्तानियों से अच्छी है। सो नथिंग ऑफ द पीपल ऑफ हिंदुस्तान इज एक्यूरेट, देयर दैट इज द फॉरिनर्स इंटेलेक्ट इज बेटर देन दीज पीपल ऑफ हिंदुस्तान। वो न इतना सतो प्रधान बनते हैं, दे नीदर बिकम वेरी सतो प्रधान, मीनिंग कंसिस्टिंग इन द क्वालिटी ऑफ गुडनेस एंड प्यूरिटी। कौन? हु? विदेशी, द फॉरिनर्स। और न इतना तमो प्रधान बनते, nor do they become very tamopradhan, meaning dominated by darkness or ignorance. और सीढ़ी के चित्र में, एंड इन द पिक्चर ऑफ द लैडर, कृष्ण की सोल भी, द सोल ऑफ कृष्ण ऑल्सो, सीढ़ी के आज में, इन द बिगिनिंग ऑफ द लैडर, कृष्ण की सोल भी दिखाई गई है ना? द सोल ऑफ कृष्ण ऑल्सो हैज बीन शोन, हैजंट ही? लक्ष्मी नगर में दिखाए गए सीढ़ी के चित्र के अंदर, लक्ष्मी नारायण ऑल्सो हैव बीन शोन इन द पिक्चर ऑफ द लैडर, और लास्ट में कृष्ण की सोल अंतिम जन्म में खड़ी हुई दिखाई गई है, एंड इज द सोल ऑफ कृष्णा शोन स्टैंडिंग इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लैडर इन द लास्ट बर्थ, या राम की तरह पड़ी हुई दिखाई गई, और इज ही शोन लाइंग डाउन लाइक राम? स्टूडेंट्स स्टैंडिंग, इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट डज इट मीन? सीढ़ी के चित्र में स्वर्णिम संगम युग जो ऊपर दिखाया गया है, इन द पिक्चर ऑफ द लैडर इन द पार्ट ऑफ द गोल्डन कॉन्फ्लुएंस एज विच इज शोन अबाव, उसमें राम और राम के चार भाई, राम अलोंग विथ हिज फोर ब्रदर्स, और उनकी सहयोगिनी शक्तियां दिखाई गई है, एंड देयर कोऑपरेटिव शक्तिज मीनिंग कॉन्सॉर्ट्स आर शोन। तो वो स्टेज ज्यादा सतो प्रधान है, सो इज दैट स्टेज मोर सतो प्रधान, या सतयुग की सीढ़ियों के अंदर खड़ा हुआ कृष्ण वो ज्यादा सतो प्रधान है, और इज कृष्णा स्टैंडिंग ऑन द स्टेयर्स ऑफ द गोल्डन एज मोर सतो प्रधान? ज्यादा सतो प्रधान कौन है? हु इज मोर सतो प्रधान? सीढ़ियों के आग में जो राम के साथ भाई खड़े हुए हैं, वो ज्यादा सात्विक स्टेज है। राम एंड हिज ब्रदर्स हु आर स्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेप्स आर इन अ मोर सात्विक मीनिंग प्योर स्टेज, जबकि वो आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज में आ जाते हैं। इट इज व्हेन दे अटेन द स्टेज ऑफ कंसीडरिंग द सोल्स एज ब्रदर्स अमंगस्ट ईच अदर, उस स्टेज को संपन्न रूप में पकड़ लेते हैं। They catch that stage in the complete form. तब का गायन है? It is the praise of that time. क्या? What? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। Hindus, Muslims, Sikhs and Christians are all brothers amongst themselves.
बाकी 5000 वर्ष के ड्रामा में कभी भी ये अनुभव एक्यूरेट नहीं कर सकते। यू कैन नेवर एक्सपीरियंस दिस एक्यूरेटली इन द रेस्ट ऑफ द ड्रामा ऑफ 5000 ईयर्स। तो वो हुआ सवेरे का टाइम पक्का पक्का। सो दैट इज गोल्डन कॉन्फ्लुएंस एज इज द टाइम ऑफ मॉर्निंग इन अ ट्रू सेंस। तो बोला कि क्रिश्चियंस या विलायत वाले इतना सतो प्रधान और इतना तमो प्रधान नहीं बनते। सो इट वॉज सेड दैट द क्रिश्चियंस और द फॉरिनर्स नीदर बिकम वेरी सतो प्रधान नॉर वेरी तमो प्रधान। किसको कॉपी किया? हुम डिड दे कॉपी? उन्होंने किसको कॉपी किया? दे कॉपीड हुम? कृष्ण को कॉपी किया। दे कॉपीड कृष्णा। कृष्ण की सोल भी शिवजी के चित्र में दिखाया है ना, ज्यादा सतो प्रधान। द सोल ऑफ कृष्णा ऑल्सो हैज बीन शोन इन द पिक्चर ऑफ द लैडर। ही नीदर बिकम्स मोर सतो प्रधान। सोलह कला संपूर्ण से ऊंची स्टेज में जाती है। डज ही गो इन टू अ स्टेज हायर देन द स्टेज कम्प्लीट विद 16 सेलेस्टियल डिग्रीज? या नीचे गिरना शुरू हो जाती है? और डज ही स्टार्ट फॉलिंग डाउन? नीचे गिरना शुरू हो जाती है। ही स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। और 84वें जन्म में? बट इन द 84th बर्थ? इतनी नहीं गिरती जितनी राम की आत्मा नीचे गिरती है। ही डज नॉट फॉल डाउन एज मच एज द सोल ऑफ राम फॉल्स। कृष्ण की आत्मा फिर भी पुरुषार्थ में खड़ी हुई दिखाई गई। द सोल ऑफ कृष्णा हैज स्टिल बीन शोन स्टैंडिंग इन पुरुषार्थ मीनिंग स्पिरिचुअल एफर्ट। और राम वाली आत्मा? एंड व्हाट अबाउट द सोल ऑफ राम? एकदम पट में पड़ी हुई। इट इज शोन लाइंग कम्प्लीटली फ्लैट। तो ज्यादा तमो प्रधान कौन हुआ? सो हु इज मोर तमो प्रधान? राम वाली आत्मा ज्यादा तमो प्रधान भी बनती है और ज्यादा सतो प्रधान। द सोल ऑफ राम बिकम्स मोर तमो प्रधान एज वेल एज मोर सतो प्रधान। कृष्ण की सोल ज्यादा सतो प्रधान भी नहीं बनती और ज्यादा तमो प्रधान भी नहीं बनती। द सोल ऑफ कृष्णा नीदर बिकम्स मोर सतो प्रधान नॉर बिकम्स मोर तमो प्रधान। आप इसको टैली करो। नाउ टैली दिस। कृष्ण को तो क्राइस्ट से टैली कर दिया। कृष्णा वॉज टैलीड मीनिंग कम्पेयर्ड विद क्राइस्ट। कि वो क्राइस्ट और क्रिश्चियंस है उनके फॉलोअर्स है। दैट क्राइस्ट एंड द क्रिश्चियंस दैट इज हिज फॉलोअर्स न ज्यादा सतो प्रधान बनते हैं और न ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं। दे नीदर बिकम मोर सतो प्रधान नॉट डू दे बिकम मोर तमो प्रधान। फिर क्राइस्ट से पहले कौन होते? देन हु कम्स बिफोर क्राइस्ट? क्रिश्चियन से पहले कौन? कौन सा धर्म? विच रिलीजन कम्स बिफोर क्रिश्चियनिटी? बुद्ध और इस्लाम धर्म। समवन सेड बुद्धिज्म एंड इस्लाम। विदेशियों की बात हो रही है। The topic of the foreigners is being discussed. विदेशियों में? Amongst the foreigners. Christians or Arabians? Between the Christians and the Arabians. उनमें ज्यादा सतो प्रधान कौन बनता है और ज्यादा तमो प्रधान कौन बनता है? Who becomes more सतो प्रधान and who becomes more तमो प्रधान? Arabians? द्वापर के शुरुआत में थे। The Arabians were present at the beginning of the Copper Age. तो ज्यादा सतो प्रधान भी थे। Hence they were more सतो प्रधान। और अभी तमो प्रधान भी बहुत बड़े। And now they have become very तमो प्रधान as well. और उनके मुकाबले क्रिश्चियंस कम तमो प्रधान 500 साल के बाद आते हैं इसलिए कम सतो प्रधान बनते हैं। And in comparison to them, the Christians come after 500 years. So they become less सतो प्रधान। और अभी अंत में कम तमो प्रधान बने। And now in the end, they have become less तमो प्रधान। तो राम और कृष्ण दोनों भारतवासी हैं या विदेशी हैं? So, are both राम एंड कृष्णा भारतवासी meaning residents of भारत और are they विदेशी? क्या कहेंगे? What will they be called? भारतवासी कहेंगे?
Someone said Bharatvasi. Will they be called Bharatvasi? Achha. Vijaymala kahan se nikalti hai? Achha. Where does the Vijaymala, the rosary of victory, come from? Vijaymala Bharat se aana aarambh hoti hai. Do the beads of the Vijaymala start to come from Bharat? Ya videsh se aana aarambh hoti hai. Or do they start to come from Videsh, meaning abroad? Students, Videsh. India Gate bana hua hai na? India Gate, a monument in Delhi, has been constructed, hasn't it? Ind? A. Ind? A. Ind aayega na? The Ind, that is, end will come, won't it? Ye dukha shanti aise hi badhti rahegi. Or will this sorrow and restlessness continue to increase just like this? Bharat mein ek shahar ka naam hai jiska naam rakh diya hai Kalah Klesh Patta. There is a city in India which has been named Kalah Klesh Katta, that is the unlimited meaning of Calcutta, meaning to cut the conflicts and quarrels. तो कलह कलेश से कट्टा करने वाली सो द वन हु कट्स डाउन द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्वारल्स इंड करने वाली आती है ना द वन हु ब्रिंग्स एन एंड टू इट कम्स डजंट शी कहाँ से आती है विदेश से आती है वेयर डज शी कम फ्रॉम डज शी कम फ्रॉम विदेश अब्रॉड या स्वदेश से ही आती है और फ्रॉम स्वदेश द कंट्री इटसेल्फ विदेश से आती है शी कम्स फ्रॉम विदेश क्यों Why? ये कनेक्शन विदेश से क्यों जोड़ दिया गया Why was the connection made with विदेश रामकृष्ण भारतवासी है या विदेशी है Are राम एंड कृष्णा रेजिडेंट्स ऑफ भारत और आर दे विदेशी रामकृष्ण भारतवासी है दोनों Someone said भारतवासी Are राम एंड कृष्णा भारतवासी बोथ है अच्छा है ऐसे देखो ऑल राइट कंसिडर इट इन दिस वे हिस्ट्री में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किसने खेली हु प्रैक्टिस्ड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इन हिस्ट्री क्रिश्चियन द क्रिश्चियंस और महाभारत में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किसने खेली एंड हु प्रैक्टिस्ड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इन द महाभारत Everyone said Krishna. Krishna kheli na? Krishna practiced it, didn't he? Students, yes. To ye rasi milai gayi. So the horoscopes were matched. Krishna aur Krishna ki rasi mil jati hai. The horoscopes of Krishna and Christ match. Krishna kya kiya? What did Krishna do? Divide kiya? Aur Bharat par? रूल किया ही डिवाइडेड हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान एंड रूल्ड ओवर भारत विलायत वाले उनको फॉलो करते हैं द फॉरिनर्स फॉलो हिम इसलिए विलायतियों में दैट इज वाई अमंग द फॉरिनर्स सूरज की मान्यता ज्यादा है इज द सन गिवन मोर रिगार्ड या चंद्रमा की मान्यता ज्यादा है और इज द मून गिवन मोर रिगार्ड वो संपूर्ण चंद्रमा की मान्यता ज्यादा है या अधूरे चंद्रमा की मान्यता ज्यादा है इज मोर रिगार्ड गिवन टू द फुल मून और इज मोर रिगार्ड गिवन टू द इनकम्प्लीट मून अधूरे चंद्रमा की मान्यता ज्यादा है क्यों देयर इज मोर रिगार्ड ऑफ द इनकम्प्लीट मून व्हाई है मान्यता इसलिए ज्यादा है देर इज मोर रिगार्ड बिकॉज की ब्राह्मण की संगमी की दुनिया में जब बेसिक नॉलेज चलती है वेन देर इज द बेसिक नॉलेज इन द कॉन्फ्लुएंस वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मिन्स तो सूर्यवंशी आत्माएं तो पहले ही अलग हो जाती है द सोल्स बिलोंगिंग टू द सन डायनेस्टी आर सेपरेटेड वेल बिफोर जो पक्के भारतवासी हैं दोज हु आर द फर्म रेजिडेंट्स ऑफ भारत सूर्य का उदय पूर्व से होता है या पश्चिम में होता है Does the sun rise in the east or west? पूरब से होता है ना तो पूर्वी जैसे कौन से हुए It rises in the east, doesn't it?
सो विच आर द ईस्टर्न कंट्रीज? ये सूर्योदय के देश हैं। दे आर द कंट्रीज फ्रॉम वेयर द सन राइजेस? बंगाल। हाँ, बंगाल, जापान। समवन सेड बंगाल। यस, बंगाल, जापान, बौद्ध धर्म खंड कह लो, और कॉल देम द बुद्धिस्ट रिलीजियस लैंड्स। तो यहाँ से सूर्योदय होता है। सो द सन राइजेस फ्रॉम हियर, दिस डायरेक्शन। जिसकी यादगार जगन्नाथपुरी दिखाई जाती। इट्स मेमोरियल इज शोन एज जगन्नाथपुरी, अ टेम्पल इन उड़ीसा डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ। किसका नाथ? सारे जगत का नाथ। हुज लॉर्ड? द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। ये नहीं, इट इज नॉट दैट कि पश्चिमी सभ्यता वालों का नाथ। ही इज द लॉर्ड ऑफ द पीपल फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर। या पूर्वी सभ्यता वालों का नाथ। और द लॉर्ड ऑफ द पीपल फॉलोइंग ईस्टर्न कल्चर। साहूकारों का नाथ। द लॉर्ड ऑफ द वेल्दी वंस। या गरीबों का नाथ। और द लॉर्ड ऑफ द पुअर वंस। नहीं, जगन्नाथ माना सारे जगत का नाथ। नो, जगन्नाथ मीन्स द लॉर्ड ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। और पश्चिम में श्रीनाथ द्वारा बना हुआ है। एंड देर इज द गेटवे ऑफ श्रीनाथ बिल्ट इन द वेस्ट, अ टेम्पल इन गुजरात डेडिकेटेड टू लॉर्ड श्रीनाथ। उनका नाम क्या रख दिया? वॉट वॉज द नेम गिवन टू हिम? श्रीनाथ। श्रीनाथ किसका नाथ? हुज लॉर्ड? श्रेष्ठ जो देवताएं माने जाते हैं। द डेटीज हु आर बिलीव्ड टू बी एलिवेटेड। उनका नाथ है। ही इज देयर लॉर्ड। सबका नाथ, सारे जगत को सपोर्ट करने वाला नहीं है। ही इज नॉट द लॉर्ड ऑफ एवरी वन, द वन हु सपोर्ट्स द होल वर्ल्ड। इसलिए भारतीय परंपरा में, दैट इज वाई इन द इंडियन ट्रेडिशन, विष्णु को सदैव देवताओं का संरक्षक दिखाया है। विष्णु हैज ऑलवेज बीन शोन एज द प्रोटेक्टर ऑफ द डेटीज। वरदान देते हुए सिर्फ देवताओं को दिखाया गया है, विष्णु को। विष्णु इज शोन टू गिव बून्स ओनली टू द डेटीज। राक्षसों को कभी वरदान देते हुए नहीं, काली बाली कितनी भी तपस्या करने वाले हो। ही इज नेवर शोन गिविंग बून्स टू डीमंस, नो मैटर हाउ मच तपस्या मीनिंग पेनेंस दे परफॉर्म। और जो सारे जगत का पिता है, एंड द वन हु इज द फादर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, जगतम पितरम गाया हुआ है, हु इज प्लेस्ड एज जगतम पितरम मीनिंग द फादर ऑफ द वर्ल्ड। और शंकर जी को, वॉट अबाउट दैट शंकर जी? है वो दोनों को वरदान देते हुए दिखाया गया। ही इज शोन ग्रांटिंग बून्स टू बोथ डेटीज एंड डीमंस। भस्मासुर को भी दे वरदान दे देते। ही ग्रांट्स बून टू भस्मासुर एज वेल। भस्मासुर, अ डीमन ग्रांटेड विथ अ बून टू बर्न इन टू एशेज एनी वन ऑन होम ही प्लेसेज हिज हैंड। वो ये नहीं देखते जब खुश होते हैं तो ये नहीं देखते। When he becomes happy, he doesn't think कि अनिष्ट करने वाला है या इष्ट करने वाला है। Will he, that is the person receiving the boon, bring harm or will he bring benefit? वास्तव में पिता कैसा होना चाहिए? How should a father be in reality? Impartial. निष्पक्ष होना चाहिए। Someone said impartial. He must be impartial. बच्चा चाहे कुपत्ता है और चाहे बच्चा अच्छा है। Whether the child is bad or good. जिंदगी जीने का अधिकार हर बच्चे को है। Every child has the right to live the life. हाँ, अगर दुकान अच्छी चलाता है। Yes, if he runs the shop nicely. तो उसको दुकान चलाने का काम दिया जाएगा। Then he will be given the job to run the shop. बाकी ऐसे नहीं है कि वो घर के बच्चे हैं, अगर कर्म नहीं करते हैं। As for the rest, it is not that if children at home don't work, तो उनको खाने पीने का भी अधिकार नहीं है। They don't have the right to even eat and drink. यज्ञ के आज में क्या हुआ? What happened in the beginning of the yagya? ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करने वाले सारे ही विदेश
सन्यासी धर्म की आत्माएं बन गई। ऑल दोज हु फॉलोड द मून ऑफ नॉलेज बिकेम द सोल्स ऑफ फॉरेन रिलीजन्स। सिर्फ सूर्यवंशी आत्माएं अलग हो गई। ओनली द सोल्स बिलोंगिंग टू द सन डायनेस्टी सेपरेटेड। ज्ञान सूर्य राम अलग हुआ और राम के फॉलोअर्स अलग हो गए। राम द सन ऑफ नॉलेज सेपरेटेड एंड द फॉलोअर्स ऑफ राम सेपरेटेड। और बाकी जितने भी रहे ऑल द अदर्स हु वर लेफ्ट वो ज्ञान चंद्रमा के रहवरी में पलते रहे। कंटिन्यूड टू बी सस्टेन्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ द मून ऑफ नॉलेज। चाहे इस्लामी हो वेदर दे आर द पीपल ऑफ इस्लाम चाहे बौद्धियों के आधारभूत हो वेदर दे आर द बुद्धिस्ट रूट सोल्स चाहे क्रिश्चियंस के आधारभूत हो और द क्रिश्चियन रूट सोल्स हर धर्म के आधारभूत आत्माओं को द रूट सोल्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स कृष्ण की रहबरी अच्छी लगी लाइक द गाइडेंस ऑफ कृष्णा और राम का जाना अच्छा खराब लगा एंड लाइक द डिपार्चर ऑफ राम समवन सेड समथिंग डिड दे नॉट लाइक इट अच्छा लगा दे लाइक्ड इट क्यों व्हाई ऐसे क्यों व्हाई इज इट सो राम बाप का जाना अच्छा क्यों लगा व्हाई डिड दे लाइक द डिपार्चर ऑफ द फादर राम और माँ कृष्ण जो चंद्रमा है उसकी रहबरी में अच्छा रहना क्यों लगा एंड व्हाई डिड दे लाइक टू लिव अंडर द गाइडेंस ऑफ द मदर दैट इज कृष्णा हु इज द मून बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता स्टूडेंट्स द फादर इज स्ट्रिक्ट द फादर कैनॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाप जो है वो स्ट्रिक्ट होता है द फादर इज स्ट्रिक्ट लॉ इज लॉ फॉर हिम लॉ इज लॉ और माँ स्ट्रिक्ट नहीं होती एंड द मदर इज नॉट स्ट्रिक्ट नाजायज प्यार भी दे देती शी गिव्स अनलॉफुल लव टू ये यज्ञ में भी हुआ दिस हैपेंड इन द यज्ञ टू और वो बच्चे माँ की गोदी में पलते रहे एंड दोज चिल्ड्रन कंटिन्यूड टू बी सस्टेन्ड ऑन द लैप ऑफ द मदर जब तक माँ का स्वरूप रहा तब तक उन्होंने पालना बखूबी ली अंटिल द फॉर्म ऑफ द मदर एग्जिस्टेड दे टुक कम्प्लीट सस्टेनेंस जिन बच्चों ने वो पालना ली जो सारी दुनिया के लिए सराहनीय है द चिल्ड्रन हु टुक द सस्टेनेंस दैट इज यूनिवर्सली प्रेज्ड तमेव माता च पिता पहला के नाम किसका इन द सेइंग त्वमेव माता च पिता मीनिंग यू आर द मदर एंड द फादर हुज नेम कम्स फर्स्ट माता का नाम क्यों द मदर्स नेम व्हाई जैसे माता होती है जस्ट लाइक इन द केस ऑफ द मदर बच्चा चाहे जैसा दुष्ट क्यों न हो नो मैटर हाउ विकेड द चाइल्ड इज उस बच्चे को भी अपनी आंखों से बोझल नहीं होने देना चाहती शी डजंट इवन वॉन्ट दैट चाइल्ड टू गो आउट ऑफ हर साइट बोझ से दूर नहीं करना चाहती शी डजंट वॉन्ट हिम टू गो फार फ्रॉम हर लैप ऐसे उस बेहद की माता ने भी इन द सेम वे दैट अनलिमिटेड मदर ऑल्सो स्वदेशी और इन विदेशी मेंटेन्ड हर रिलेशनशिप कम्प्लीटली विद दी स्वदेशी एंड विदेशी चिल्ड्रन स्वदेशी मीनिंग बिलोंगिंग टू वन्स ओन कंट्री साथ निभाया शी मेंटेन्ड हर रिलेशनशिप विद देम और पूरा सहन किया एंड टॉलरेटेड देम कम्प्लीटली किसका सहन किया स्वदेशी बच्चों का सहन किया हुम डिड शी टॉलरेट द स्वदेशी चिल्ड्रन या विदेशी बच्चों का सहन किया और डिड शी टॉलरेट द विदेशी चिल्ड्रन विदेशियों का सहन किया शी टॉलरेटेड द विदेशी चिल्ड्रन स्वदेश में तो इन स्वदेश दैट इज इंडिया माता की बहुत मान्यता होती है मदर्स आर गिवन ग्रेट रिगार्ड मातृ प्रधान देश है इसलिए माता की बहुत मान्यता है स्वदेश इज अ मदर डोमिनेटेड कंट्री सो मदर्स आर गिवन ग्रेट रिगार्ड और विदेश में गॉड फादर को मानेंगे वाइल इन द फॉरेन कंट्रीज दे बिलीव इन गॉड द फादर
गॉड मदर की कोई मान्यता नहीं है। देयर इजंट एनी रिगार्ड फॉर गॉड द मदर। मदर के रूप में नेचर को कह देते हैं। दे कॉल नेचर द फॉर्म ऑफ द मदर। लेकिन नेचर का जितना पॉल्यूशन विदेशियों ने किया है, इतना पॉल्यूशन भारतवासियों ने नहीं किया। बट द रेसिडेंट्स ऑफ भारत हैव नॉट पोल्यूटेड नेचर टू द एक्सटेंट द विदेशीज हैव। ये भी फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? When is the foundation for this also laid? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में। In the confluence Brahmin world, जो विदेशी आधार मूर्त आत्माएं हैं, the विदेशी root souls, वो माँ की जान ले लेती है। Take the life of the mother, जिस माँ ने इतना प्यार किया, उस माँ के साथ विश्वास प्राप्त करती। They do treachery with the mother who gave them so much love. वो परंपरा विदेशियों में चलती रहती है। This tradition continues among the विदेशीस। जो माँ पिता के साथ विश्वासघात करे, जिन्होंने जन्म दिया। When they do treachery with the parents who gave them birth, वो दुनिया में किसको छोड़ेंगे? Whom will they spare in the world? सवाल ही पैदा नहीं होता। दिस क्वेश्चन ऑफ नॉट डिसीविंग एनीवन एल्स डजंट अराइज एट ऑल। जो अपने माँ बाप के बन करके नहीं रह सकते, दोज हु कांट बिलोंग टू देयर पेरेंट्स एंड स्टे, उनको धोखा दे सकते हैं। दोज हु कैन डिसीव इवन देम, वो दुनिया में सबके लिए धोखेबाज हैं। दे आर द डिसीवर्स ऑफ एवरीवन इन द वर्ल्ड। देहवाणी की इंतहा होती है। देयर इज अ लिमिट ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस। अतिम हो जाती है। इट एक्सीड्स द लिमिट। यही कारण है। दिस इज द वेरी रीजन कि वो आत्माएं संसार के लिए विनाशकारी साबित होती हैं अंत में। व्हाई दोज सोल्स प्रूव टू बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द वर्ल्ड इन द एंड। एटमिक एनर्जी का निर्माण कौन करते हैं? हु क्रिएट्स द एटॉमिक एनर्जी? स्वदेशी या विदेशी? विदेशी। Is it the Swadeshi or the Videshi? The Videshi. जो देश की आत्माएं हैं, झाड़ के चित्र में दाई ओर दिखाई गई, हैं तो विधर्मी। The souls belonging to this country who are shown on the right side in the picture of the Kalpa tree are indeed Vidharmi. Those with beliefs and practices opposite to that said by the father. लेकिन कौन से देश की है? But they belong to which country? कहाँ से origin होता है उनका? Where do they originate from? भारत से। From भारत। वो देशी तो है। They are indeed देशी, meaning countrymen। दाई ओर के तो है। They indeed belong to the right side। लेकिन कमजोर आत्माएं हैं। But are weak souls। प्रभावित होने वाली आत्माएं हैं। They are the souls who are influenced। जब विदेशियों के आक्रमण होते हैं, When the विदेशीज invade, तो अपना झंडा गिरा देते हैं। बहुत देर सन्यासी। द बुद्धिस्ट द सन्यासीज lower their flag, that is, they surrender. और जैसे वो चलाना चाहते हैं वैसे चल पड़ते हैं। And they start following as they are made to follow. उनके आधीन होकर के चल पड़ते हैं। They become their subjects and follow them. सिर्फ एक सूर्य ऐसा है। Only the sun is such. जिसके लिए गीता में बोला है, मैं आकर के सूर्य को ज्ञान देता हूँ। For whom it is said in the Gita, I come and give knowledge to the sun. वो सूर्य। That sun. संसार के जो भी प्राणी मात्र हैं। All the creatures of the world. ऐसे नहीं कि सिर्फ मनुष्य मात्र। Not just human beings. प्राणी मात्र के लिए एक जैसा बर्ताव करने वाला। He treats equally all the living beings. सब आत्माएं, आत्मा आत्मा, भाई भाई की स्टेज में रहने वाली आत्माएं हैं। All the souls are souls who live in the stage of brothers amongst each other. क्यों? Why? जो दूसरे धर्म की 500 करोड़ आत्माएं हैं, वो आत्मा आत्मा भाई भाई के रूप में रहने वाली नहीं है।
aren't the 5 billion souls of the other religions the ones who stay as brothers amongst each other? नहीं है तो क्यों नहीं है? If not, then why isn't it so? है? इसलिए नहीं है. They aren't so because. जो राजयोग सिखाने के लिए परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आते हैं. The Supreme Soul Father comes in this world to teach Rajyog. Sampanna Atmik stage banane ke liye aate hai. He comes to create a complete soul conscious stage. Jis Atma ki Sampanna stage ka line hai, Sarvaguna Sampanna. The praise for the completeness of the soul is complete with all the virtues. Suratala Sampurna Sampurna Hinsa ka Maryada Purushottam. Complete with 16 celestial degrees, completely non-violent. Maryada Purushottam, meaning the best among those who follow the code of conduct. उस राजयोग की संपन्नता को वो विदेशी आत्माएं उतना धारण नहीं कर पाती. Those विदेशी souls are unable to attain the stage of the completeness of the Rajyog to that extent. माना बाप को पहचान नहीं पाती. Meaning they are unable to recognize the father. और सूर्यदर्शी आत्माएं एंड द सोल्स ऑफ द सन डायनेस्टी पहचान लेती. दे रिकॉग्नाइज द फादर. तो जो जितनी ज्यादा पहचान में तीसी जाती है, सो द सोल्स हु आर शार्पर इन देयर रिकॉग्निशन ऑफ द फादर. पहचान माना ज्ञान में तीसी जाती है. हु आर शार्पर इन देयर रिकॉग्निशन ऑफ द फादर मीनिंग इन नॉलेज. वो ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है. दोज नॉलेजेबल सोल्स आर स्पेशली डियर टू मी. मुझे माने किसे? मी मीन्स हु? सुप्रीम सोल बाप को क्यों प्रिय है? टू द सुप्रीम सोल फादर. व्हाई आर दे डियर? क्योंकि उनको पहचान ही नहीं है. इट इज बिकॉज दे दैट इज विदेशी डोंट हैव एनी रिकॉग्निशन एट ऑल. और उनको पूरी पहचान. एंड दे दैट इज दोज ऑफ द सन डायनेस्टी हैव कंप्लीट रिकॉग्निशन. तो परमात्मा बाप सुप्रीम सोल को ये गुण सबसे अच्छा लगता है. सो द सुप्रीम सोल फादर लाइक्स दिस क्वालिटी द मोस्ट. कौन सा गुण? विच क्वालिटी? और कोई गुण हो या न हो, वेदर दे हैव एनी अदर क्वालिटी और नॉट, लेकिन बाप को पहचानने की जो सिफ्त है, बट द क्वालिटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द फादर सूर्यवंशी आत्माओं में है, विच द सोल्स ऑफ द सन डायनेस्टी हैव, वो सिफ्त है दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली या जाने वाली आत्माओं में नहीं होगी. द सोल्स हु कन्वर्ट और गो इन टू अदर रिलीजन्स डोंट हैव दैट क्वालिटी. दूसरे धर्म की बीजरूप आत्माओं में भी नहीं होती. इट इज नॉट प्रेजेंट इन द सीड फॉर्म सोल्स ऑफ अदर रिलीजन्स. और आधारभूत आत्माओं में भी नहीं होती. एंड इट इज नॉट प्रेजेंट इन द रूट सोल्स ईदर. वो आत्माएं आत्मिक स्टेज की संपन्नता को प्राप्त ही नहीं करती. Those souls don't achieve the completeness of the stage of soul consciousness at all. Atma, atma, bhai, bhai. Is anubhav ki sampannata kya hoti hai? What is the completeness of the experience of souls are brothers amongst each other? Unki buddhi mein ye baat puri baith nahi sakti. This topic cannot sit in their intellect completely. Isliye वो ज्ञान सागर बाप को पूरा फॉलो नहीं कर पाते. दैट इज वाई दे आर अनेबल टू फॉलो द फादर द ओशन ऑफ नॉलेज कम्प्लीटली. पूरा फॉलो न कर पाने के कारण, बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू फॉलो हिम कम्प्लीटली, उनके जन्म भी कम हो जाते. दे कॉन्सिक्वेंटली हैव ऑल्सो लेसर बर्थ्स. 83 जन्म लेंगे, 82 जन्म लेंगे. दे विल हैव 83 बर्थ्स, 82 बर्थ्स. कम जन्म लेंगे. दे विल हैव लेसर बर्थ्स. लेकिन पूरे 84 जन्म नहीं ले सकते. बट दे कैन नॉट हैव द कम्प्लीट 84 बर्थ्स. जो 84 पूरे जन्म नहीं ले सकते, वो पक्के देवता भी नहीं बन सकते. दोज हु कांट हैव द कम्प्लीट 84 बर्थ्स कैन नॉट बिकम फर्म डेटीज ईदर. कच्चे देवताएं बनेंगे. दे विल बिकम वीक डेटीज. सेमी देवताएं बनेंगे. दे विल बिकम सेमी डेटीज. वो बीज रूप आधारभूत आत्माएं सत्युग में तो आवेंगी. दो सीड फॉर्म एंड रूट सोल्स विल इंडीड कम इन द गोल्डन एज.
लेकिन बाद की जनरेशन में आ गई। बट दे विल कम इन द लेटर जनरेशन। जो जीवन का लक्ष्य दिया हुआ है मनुष्य जीवन का, द एम गिवन फॉर लाइफ, द ह्यूमन लाइफ, क्या नर से नारायण बनना। वॉट टू बिकम नारायण फ्रॉम नर, दैट इज मैन। वो नर से नारायण बनने का जो लक्ष्य है वो उनके भाग्य में नहीं लिखा होता। दैट एम ऑफ बिकमिंग नारायण फ्रॉम अ नर इज नॉट रिटन इन देयर फेट। क्यों? वाई उनके भाग्य में ये लक्ष्य क्यों नहीं है? वाई इज दिस एम नॉट इन देयर फेट? इसलिए नहीं है कि वो नर से प्रिंस जो बनने वाला है उसके बाद आने वाली आत्माएं बनती है। इट इज नॉट इन देयर फेट बिकॉज दोज सोल्स अराइव आफ्टर द वन हु बिकम्स प्रिंस फ्रॉम नर। नर से जो डायरेक्ट नारायण बनने का पुरुषार्थी आत्माएं हैं, द सोल्स हु आर पुरुषार्थीज, मीनिंग द वन हु मेक्स स्पिरिचुअल एफर्ट ऑफ बिकमिंग नारायण डायरेक्टली फ्रॉम नर, या नारायण जैसी बनने वाली आत्माएं हैं, और द सोल्स हु बिकम लाइक नारायण, उन तक उनका पुरुषार्थ पहुंचता ही नहीं। देयर स्टेज ऑफ पुरुषार्थ डजंट रीच टू दैट एक्सटेंट एट ऑल। और वो आत्माएं जो ब्रह्मा तक पहुंचती हैं, एंड दोज सोल्स हु रीच द स्टेज ऑफ ब्रह्मा, माने चंद्रमा तक पहुंचती हैं, मीनिंग हु रीच द मून, तो उनमें ये संस्कार भरे हुए हैं। दे हैव दीज संस्कार्स फिल्ड इन देम। कहाँ तक पहुंचने के? टू रीच अप टू वेयर? चंद्रमा तक पहुंचने के संस्कार। द संस्कार्स ऑफ रीचिंग द स्टेज ऑफ द मून आर फिल्ड इन देम। 69 में, इन द ईयर 69, पहला वो व्यक्ति कौन था जो चंद्रमा तक पहुंचा? हु वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रीच्ड द मून? नील आर्म्स स्ट्रॉन्ग। उसकी भुजाएं कैसी थी? नील। वॉट वर हिज आर्म्स लाइक? ब्लू। आर्म्स माना भुजाएं, नील माना नीली, विषवारी। आर्म्स मीन्स भुजाएं, नील मीन्स ब्लू, फिल्ड विथ पॉइजन। और बड़ी स्ट्रांग थी। एंड दे वर वेरी स्ट्रांग। वो कहाँ पहुंच गया? वेयर डिड ही रीच? चंद्रमा पर पहुंच गया। ही रीच्ड द मून। स्वदेशी था या विदेशी था? वॉज ही अ स्वदेशी और अ विदेशी? विदेशी था ना? ही वॉज अ विदेशी, वॉजंट ही? और बाप क्या बन करके आता है? एंड वॉट डज द फादर कम एज? बाप भी विदेशी बन करके आता है। द फादर ऑल्सो कम्स एज अ विदेशी। अगर बाप विदेशी बन करके ना आए, इफ द फादर डज नॉट कम एज अ फॉरिनर, तो विदेशी आत्माएं बाप का संग और साथ संबंध नहीं निभा सकती। देन द फॉरिनर सोल्स कैनॉट मेंटेन द कॉन्टेक्ट कंपनी एंड रिलेशनशिप विद द फादर। भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मा राम मानी जाती है भारतीय परंपरा में। राम इज कंसिडर्ड एज द सोल रिप्रेजेंटिंग द भारतवासीज इन द इंडियन ट्रेडिशन। कृष्ण की आत्मा को, कृष्ण को सारे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं माना जाता। द सोल ऑफ कृष्णा, मीनिंग कृष्णा इज नॉट बिलीव्ड टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर भारत। बाप का पार्ट, दैट इज द रोल ऑफ द फादर। तो चंद्रमा तक भी पुरुषार्थ अगर पहुंच जाए, इफ एनीवन्स पुरुषार्थ रीचेस इवन अप टू द स्टेज ऑफ द मून, तो भी चंद्रवंशी कहे जाएंगे। दे विल बी कॉल्ड चंद्रवंशी, मीनिंग दोज बिलोंगिंग टू द मून डायनेस्टी। चंद्रमा को भी अगर पूरा पहुंचाने पहचान ले, इफ दे एटलीस्ट रिकॉग्नाइज द मून कम्प्लीटली, तो क्या कहे जाएंगे? चंद्रवंशी। What will they be called? Chandravanshi. तो चंद्रमा तक पहुंचने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। Therefore, they keep making पुरुषार्थ to reach the moon. सूर्य तक तो कोई जा ही नहीं सकता।
नो वन कैन रीच द सन एट ऑल। सूर्य 16 कलाओं से ऊपर है। द सन इज बियॉन्ड 16 सेलेस्टियल डिग्रीज। और चंद्रमा की कलाएं 16 कलाओं में बांधी जाती है। एंड द डिग्रीज ऑफ द मून आर लिमिटेड टू 16 सेलेस्टियल डिग्रीज। इसलिए संगम युग में जो पार्ट बजाया जाता है, दैट इज वाई द पार्ट विच इज प्लेड इन द कॉन्फ्लुएंस एज, सत्युग की आत्माओं को जन्म देने वाला पार्ट, द पार्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू द सोल्स ऑफ द गोल्डन एज, वो 16 कला संकुल से भी ऊपर की स्टेज है। इट इज द स्टेज इवन अबाउ द स्टेज ऑफ बीइंग कम्प्लीट विद 16 सेलेस्टियल डिग्रीज। चढ़ती कला की स्टेज है। इट इज द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग सेलेस्टियल डिग्रीज। एक बार पूरा चढ़ने के बाद फिर कृष्ण का जन्म हो जाता है। आफ्टर क्लाइंबिंग अप वंस कम्प्लीटली टू दैट स्टेज, कृष्णा इज बोर्न। कृष्ण का जन्म होने के बाद, आफ्टर द बर्थ ऑफ कृष्णा, जैसे ही स्वयंवर होता है, एज सून एज द स्वयंवर टेक्स प्लेस, स्वयंवर मीनिंग अ सेरेमनी वेर अ ब्राइड कैन सिलेक्ट हर हस्बैंड फ्रॉम अमंग द असेंबल्ड प्रिंसेस, वैसे ही कलाओं का उतरना भी शुरू हो जाता है। द सेलेस्टियल डिग्रीज ऑल्सो स्टार्ट टू डिक्रीज। तो फाउंडेशन सारा यहाँ पर जाता है। सो ऑल द फाउंडेशन इज लेड हियर। देवताएं ज्यादा पावरफुल होते हैं। आर डेटीज मोर पावरफुल, या राक्षस ज्यादा पावरफुल होते हैं। और आर डिमन्स मोर पावरफुल, हैं? क्यों? समवन सेड डिमन्स। व्हाई? अनसिविलाइज्ड हैं? राक्षस अनसिविलाइज्ड। समवन सेड डिमन्स आर अनसिविलाइज्ड। अच्छा, तो बुद्धि ज्यादा है। अच्छा, समवन सेड दे आर मोर इंटेलिजेंट। अनदर स्टूडेंट, दे आर लेस इंटेलिजेंट। समवन सेड फिजिकल पावर, जो विदेशी है वो योग बल के आधार पर आत्मिक स्टेज की संपन्नता को नहीं पाते। यस, the videshi don't achieve the completeness of the soul conscious stage on the basis of yog bal, meaning the power of yoga. Aur swadeshi yog bal ke aadhar par aatmik stage ki sampannata ko prapt kar lega. Whereas the swadeshi achieve the completeness of the soul conscious stage on the basis of yog bal. To jinhe aatmik stage ki sampannata nahi mili, so those who did not achieve the completeness of the soul conscious stage, तो कम से कम क्या अपने पास मुट्ठी में रखे? What should they keep in their hand at least? बाहुबल देवान तो मुट्ठी में रखे। Physical power, they should at least keep body consciousness in their hands. उसका तो पूरा उपयोग करें। They should at least use it completely. तो बाहुबल का पूरा उपयोग करते हैं। Hence, they use physical strength completely. द्वापर युग से जो भी धर्म पिताएं आते हैं, विच एवर रिलीजियस फादर्स कम फ्रॉम द कॉपर एज, उनकी योग बल की राजाई नहीं चलती। देयर किंगशिप इज नॉट ऑफ योग बल। कौन से बल की राजाई चलती है? देयर किंगशिप इज ऑफ विच पावर? बाहुबल की राजाई चलती है। देयर किंगशिप इज ऑफ फिजिकल पावर? अच्छा, उनकी तो राजाई चलती है। ऑल राइट, देयर किंगशिप सर्टनली गोज ऑन। ये भारतवासी क्यों उनसे प्रभावित हो जाते हैं? Why are the residents of Bharat influenced by them? Someone said they are scared. डरते हैं? They are scared. Someone said they are scared of physical power. बाहुबल से डरते हैं? They are scared of physical power. क्यों? आत्माभिमान क्या बाहुबलियों से डरता है? Why? Is a soul conscious person scared of those with physical power? माने आत्माभिमानी कमजोर है। Meaning, is a soul conscious person weak? जो कायर है वो लोग डरते हैं, जो डायने में है जो। Someone said, those who are cowards are scared. Yes. जिन आत्माओं में आत्मिक बल की कमी है, the souls who lack spiritual power, संपन्न स्टेज को प्राप्त नहीं हुई है, those who have not achieved the complete stage, उनका डरना हो सकता है, they might become scared. बाकी जो संपन्न स्टेज वाली आत्माएं हैं,
वो डरने की बात नहीं। एज फॉर द रेस्ट देर इज नो क्वेश्चन फॉर द सोल्स विद द कम्प्लीट स्टेज टू बी स्केर्ड। ये बात दूसरी है। दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक। ऐसी युक्ति निकाले दैट सच अ टैक्टिक शुड बी यूज्ड जो युक्ति भगवान के पार्ट के लिए उधरी हुई विच इज प्री डिटरमिंड फॉर द रोल ऑफ भगवान मीनिंग गॉड। जैसे शंकर को भगवान कहा जाता है जस्ट लाइक शंकर इज कॉल्ड गॉड। और भस्मासुर से रक्षा करने के लिए वो भागते फिरे एंड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम भस्मासुर ही केप्ट रनिंग। तो ये युक्ति अपनाई। सो डिड ही यूज अ स्ट्रैटेजम या कायरता हुई और वॉज इट हिज कावर्डिस। कायरता हुई वॉज इट हिज कावर्डिस। ये युक्ति अपनाई। ही यूज्ड दिस स्ट्रैटेजम। इसलिए युक्ति अपनाई। ही यूज्ड दिस स्ट्रैटेजम कि जो कृष्ण की सोल है जो अव्वल नंबर विष्णु का अवतार मानी जाती है उसके द्वारा ही उसका पराभव हो जाए। सो दैट ही दैट इज भस्मासुर शुड बी डिफीटेड बाय द सोल ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ हु इज कंसिडर्ड टू बी द नंबर वन इनकारनेशन ऑफ विष्णु। तो कौन निमित्त बना भस्मासुर को भस्म करने के लिए है। सो हु बिकेम द इंस्ट्रूमेंट टू बर्न डाउन भस्मासुर इन टू एशेस। जो कृष्ण की सोल है द सोल ऑफ कृष्णा विष्णु रूप का जो मोहिनी रूप है स्त्री रूप है वो निमित्त बन गया। द फॉर्म ऑफ मोहिनी ऑफ विष्णु द फॉर्म ऑफ अ फीमेल बिकेम इंस्ट्रूमेंट भस्मासुर को भस्म करने के लिए टू बर्न डाउन भस्मासुर इन टू एशेस। तो युक्ति अपनाना बात दूसरी। सो टू यूज अ स्ट्रैटेजम इज अ डिफरेंट थिंग। ऐसे ही महाभारत में कृष्ण को भगवान बताया गया। इन द सेम मैनर कृष्णा इज सेड टू बी गॉड इन द महाभारत। अरे भगवान थे तो फिर क्यों गांवों गांवों में भागते फिरे। अरे इफ ही वॉज गॉड वाई डिड ही वॉन्डर अबाउट इन विलेजेस। वृंदावन बरसाना ये गांव थे या शहर थे। वर वृंदावन एंड बरसाना विलेजेस और वर द टाउन्स। गांव थे देवर विलेजेस। उनका बचपन जो है वो मथुरा में क्यों नहीं दिखाया गया। वाई वॉजेंट हिज चाइल्डहुड शोन इन मथुरा। मथुरा में तो जन्म लिया और वहां खड़े हुए। ही वॉज जस्ट बॉर्न इन मथुरा एंड रन अवे फ्रॉम देर। अरे भगवान थे तो उनको डरने की क्या बात। अरे इफ ही वॉज गॉड वॉट वॉज द नीड टू फियर। डरने की बात नहीं है। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ फियरिंग। युक्ति अपनाने की बात। इट इज अबाउट यूजिंग स्ट्रैटेजम्स। ऐसे राम को भगवान कहा गया। इन द सेम वे राम इज कॉल्ड गॉड। राम भगवान थे। इफ राम वॉज गॉड तो लंका में जाकर के सीधी चढ़ाई क्यों नहीं कर दी। वाई डिडंट ही गो एंड अटैक लंका डायरेक्टली। जंगलों में क्यों रहे। वाई डिड ही स्टे इन फॉरेस्ट। युक्ति की बात है। दिस इज अबाउट स्ट्रैटेजम्स। जन सामान्य के लिए ऐसी युक्ति निकाली जाए। सच अ स्ट्रैटेजम शुड बी क्रिएटेड फॉर द सेक ऑफ द कॉमन फोक। सांप मरे न लाठी टूटे। दैट द स्नेक शुड बी किल्ड बट द स्टिक शुडंट ब्रेक मीनिंग टू मेक अ गेन विदाउट एनी लॉस। व्यर्थता खून खराबा हो जाए उससे क्या फायदा। वॉट इज द बेनिफिट इफ ब्लड शेड टेक्स प्लेस इन वेन। तो भगवान की ये युक्ति नुधी हुई है ब्राह्मण में। देयरफोर द स्ट्रैटेजम ऑफ गॉड इज फिक्स्ड इन द ड्रामा। की स्थापना का कार्य भी कर लेते हैं और आसुरी शक्तियों का पराभव का भी कार्य कर लेते हैं। दैट ही डज द वर्क ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज द वर्क ऑफ डिफीटिंग द डेविलिश पावर्स। लेकिन बाहुबल के आधार पर कोई कार्य संपन्न नहीं होने देते। But he does not let any task be accomplished on the basis of physical power. जो बाहुबल को फिर भी अपनाते हैं वो ही असुर कहे जाते हैं। Those who still use physical power are themselves called demons. That is असुर। अब उस बाहुबल की शक्तियों में चाहे तांत्रिक प्रक्रियाएं हो भूतपूर्व प्रेतों को सिद्ध करने वाली। Well, whether those physical powers involve tantric activities of mastery over ghosts and spirits. और चाहे तो बड़े बड़े ऑफिसर्स को
बाहुबल से कमाए हुए पैसे के आधार पर मुट्ठी में रखने वाली बात हो। Whether it is about keeping high-ranking officers in their hands, that is control, on the basis of money earned by physical power. और चाहे तो अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने वाली बात। Or it is about attacking others with arms and weapons. ये कायदे कानून मुखवंशावली ब्राह्मणों के लिए है या कुहवंशावली ब्राह्मणों के लिए है? Are these rules and regulations for the mouth-born progeny Brahmins or the lap-born progeny Brahmins? ये रावण के कायदे कानून है। These are the rules and regulations of Ravan. राम का कायदा कानून नहीं है। These are not the rules and regulations of Ram. राम और राम के जो भी बच्चे फॉलोअर्स होंगे सूर्यवंशी। राम एंड ऑल द चिल्ड्रन ऑफ राम दैट इज द फॉलोअर्स मीनिंग द सूर्यवंशी भगवान बाप के आने के बाद उनकी आंखें खुल जाती हैं। देयर आईज ओपन आफ्टर द अराइवल ऑफ गॉड द फादर। ये सारी सृष्टि में कर्म प्रधान रचा हुआ है। एंड दे अंडरस्टैंड दैट एक्शंस आर इम्पोर्टेंट मीनिंग वी गेट द रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू अवर एक्शंस इन द एंटायर वर्ल्ड। कर्म की गुह्य गति सिर्फ भगवान आकर के बताता है। Only God comes and explains the deep dynamics of actions. कर्मों की गुह्यगति के बारे में मनुष्य आत्मा को कोई पता नहीं होता। A human soul doesn't have any knowledge regarding the deep dynamics of actions. कौन से कर्म हुए हैं? What actions have been performed? जिसके आधार पर मनुष्य नीचे गिरता है। On the basis of which the human being falls down. और कौन से कर्म हुए हैं? एंड वॉट एक्शन हैव बीन परफॉर्म्ड जिनके आधार पर मनुष्य ऊंचा उठता है। ऑन द बेसिस ऑफ विच द ह्यूमन बींग राइजेज अप। ये पूरा हिसाब किताब बाप आकर के बच्चों को समझाते। द फादर कम्स एंड एक्सप्लेन्स द कम्प्लीट अकाउंट्स ऑफ कर्म टू द चिल्ड्रन। अब जो बाप को फॉलो करते हैं वो प्राप्ति करते हैं। Now, those who follow the father receive the fruit. बाप को न पहचानने के कारण ड्यू टू नॉट रिकॉग्नाइजिंग द फादर बाप की जगह दूसरी मनुष्य आत्माओं को फॉलो करने लग पड़ते। दे स्टार्ट फॉलोइंग अदर ह्यूमन सोल्स इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द फादर या मनमत पर चलने लग पड़ते हैं। और दे स्टार्ट फॉलोइंग देयर ओन ओपिनियंस तो वो पूरी प्राप्ति नहीं कर पाते। सो दे आर नॉट एबल टू हैव द कम्प्लीट अटेनमेंट्स। पूरी प्राप्ति का क्या मतलब है? वॉट डज कम्प्लीट अटेनमेंट मीन? 21 जन्म की प्राप्ति पूरी प्राप्ति है। इज द अटेनमेंट ऑफ 21 बर्थ्स द कम्प्लीट अटेनमेंट या 84 जन्म की प्राप्ति पूरी प्राप्ति है? और इज द अटेनमेंट ऑफ 84 बर्थ्स द कम्प्लीट अटेनमेंट? स्टूडेंट्स ऑफ 84 बर्थ्स जो बाप आकर के 21 जन्म का वर्षा देते हैं। Does the father Shiv come and give the inheritance of 21 births? या 21 जन्म के आधार पर 84 जन्म का भी वर्षा मिल जाता है? Or do we also get the inheritance of 84 births on the basis of the 21 births? 21 जन्म का तो पूरा पूरा वर्षा मिलता है। We get the complete inheritance of 21 births. लेकिन 21 जन्म के लिए जो पुरुषार्थ किया गया है। But the purusharth made for 21 births, उस पुरुषार्थ की जो गति है, the intensity of that purusharth, जिस आत्मा ने जैसी स्पीड पकड़ी है, whichever soul has gained whatever speed, और जिस तरह पकड़ी है, and in whatever way, वो आत्मा में उस तरह के संस्कार समा जाते हैं, संग में। Those kind of संस्कार्स are recorded in that soul in the confluence age. मान लो 100% योग वाली की गति पकड़ी है। सपोज इट दैट इज द सोल हैज अचीव्ड 100% स्पीड इन योग बल तो रिजल्ट क्या होगा? देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? 100% प्राप्ति होगी। इट विल अचीव 100% अटेनमेंट। 21 जन्म तो 100% प्राप्ति। द सोल विल सर्टनली अचीव 100% अटेनमेंट फॉर 21 बर्थ्स। और बाकी जो 63% है 63 जन्म है। And what about the rest of the 63 births? उन 63 जन्मों में
इन दोस 63 बर्थ्स हर आत्मा चाहे कोई भी मनुष्य आत्मा हो एवरी सोल विच एवर ह्यूमन सोल इट मे बी कितनी ही पावरफुल क्यों न हो हाउएवर मच पावरफुल इट मे बी राम कृष्ण की ही आत्मा क्यों न हो वेदर इट इज द सोल ऑफ राम एंड कृष्णा देमसेल्स कागर की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए एक लीक कागर की लागी है पहला नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट समवन इज हु एंटर्स अ रूम फिल्ड विद काजल मीनिंग लैम्प ब्लैक ही विल सर्टनली गेट अ मार्क ऑफ काजल दैट इज अ सिचुएशन फ्रॉम विच वन कैनॉट इमर्ज विदाउट अ स्टेन ऑन वन्स कैरेक्टर मनुष्य आत्माएं आत्माएं तो है ह्यूमन सोल्स आर सर्टनली सोल्स द्वापर कलयुग में वो परमात्मा नहीं बन सकती बट दे कैनॉट बिकम द सुप्रीम सोल इन द कॉपर एंड द आयरन एजेस राम की ही आत्मा क्यों न हो इवन इफ इट इज द सोल ऑफ राम वो पावरफुल तो बनेगी इट विल इंडीड बिकम पावरफुल इब्राहिम का इस्लाम धर्म आएगा वेन द इस्लाम रिलीजन एस्टेब्लिश्ड बाय इब्राहिम कम्स इस्लाम धर्म की ढेरों की ढेरों आत्माएं उतरेंगी न्यूमरस सोल्स बिलोंगिंग टू द इस्लाम रिलीजन विल डिसेंड उनके प्रभाव में नहीं आएगी इट दैट इज राम सोल विल नॉट कम अंडर देयर इन्फ्लुएंस उसके बाद भी जो जो धर्म पिताएं आते हैं उनके भी प्रभाव में नहीं आएगी It will not come under the influence of the other religious fathers who come after that as well. At last, it is a human soul after all. टकराने की भी कोई सीमा होती है. There is also a limit to confront. टकराते. While confronting others continuously, कहीं तो हवा निकलेगी. It will lose courage at some time, won't it? माया रूपी रावण किसी को छोड़ता है क्या डज माया इन द फॉर्म ऑफ रावण लीव एनी वन ऐसा तो कोई सृष्टि पे अहंकार ही नहीं है देर इज नो सच एरोगेंट इन दिस वर्ल्ड जो ये कहे कि हमने माया रूपी रावण से कभी भी हार नहीं खाई हु वुड से आई हैव नेवर बीन डिफीटेड बाय माया इन द फॉर्म ऑफ रावण कोई हो सकता है कैन देर बी सच वन नहीं हो सकता देर कैनॉट बी सच वन क्यों वाई क्यों नहीं हो सकता एक तरफ भगवान वाई कांट देर बी देर इज गॉड ऑन वन साइड और दूसरी तरफ माया एंड माया ऑन द अदर साइड माया के चंबे में सारी दुनिया क्यों आना चाहिए वाई शुड द होल वर्ल्ड कम इन द क्लचेज ऑफ माया इसलिए आना चाहिए इट शुड कम इन द क्लचेज ऑफ माया क्योंकि भगवान बाप की माया बड़ी बेटी है Because Maya is the elder daughter of God the Father. Kya? Badi beti. What? She is the elder daughter. Maya bhi roop hai. She has an illusory form. Ravan ne bhi kaisa roop dhaar kiya tha Sita ko churane ke liye? What kind of form did Ravan also take in order to kidnap Sita? Maya bhi roop. He took an illusory form. भले माया राक्षसी है ऑल्दो माया इज अ विच लेकिन बाप की बेटी है शी इज द डॉटर ऑफ द फादर वो बड़ी किस आधार पर बन गई ऑन वॉट बेसिस डिड शी बिकम द एल्डेस्ट और इतनी बड़ी बन गई एंड शी बिकेम सो बिग कि जो बाप की पावर है वो पावर धारण कर ली That she assimilated the power which the father has. कौन सी? Same. Which power? Someone said same. क्या? जितना बाप का शक्ति उतना ही माया की शक्ति. What? Someone said Maya has the same amount of power that the father has. सर्वशक्तिमान की सर्वशक्तियाँ माया ने धारण कर ली. Maya assimilated all the powers सर्वशक्तियाँ of the Almighty. सर्वशक्तिवान बाप भी सर्वशक्तिवान और माया भी सर्वशक्तिवान द फादर इज ऑल माइटी एज वेल एज माया इज ऑल माइटी ये कैसे हो गया हाउ डिड इट हैपन माया कैसे सर्वशक्तिवान हो गई हाउ डिड माया बिकम ऑल माइटी बाप के समान सर्वशक्तिवान ऑल माइटी सिमिलर टू द फादर है बाप से पावर लेते हैं समवन सेड बाय टेकिंग द पावर फ्रॉम द फादर
बच्ची है वो. शी इज द डॉटर. बच्चा तो राम बाप है. द फादर राम इज द सन. बुद्धि से सरेंडर. समवन सेड बाय सरेंडरिंग थ्रू द इंटेलेक्ट. हाँ, माया जो है. यस, माया जब सरेंडर होने का असली टाइम आता है. When the real time to surrender comes, और बाप की प्रत्यक्षता होती है. And the revelation of the father takes place, तो सबसे पहले माया सरेंडर होती है. माया सरेंडर्स फर्स्ट ऑफ ऑल बुद्धि से थ्रू द इंटेलेक्ट. कोई तन से सरेंडर हो जाते हैं. सम सरेंडर थ्रू द बॉडी. तन की इंद्रियों से सरेंडर हो जाते हैं. दे सरेंडर थ्रू द बॉडीली ऑर्गन्स. तन के संबंधियों से सरेंडर हो जाते हैं. दे सरेंडर थ्रू द बॉडीली रिलेशंस. संपर्कियों को भी सरेंडर कर देते हैं ईश्वरीय सेवा में. दे ऑल्सो सरेंडर दोज हु कम इन देयर कॉन्टेक्ट इन द सर्विस ऑफ गॉड. अपने धन से पूरे सरेंडर हो जाते हैं. दे सरेंडर कम्प्लीटली थ्रू देयर वेल्थ. लेकिन मन बुद्धि से पूरे सरेंडर नहीं होते. बट दे डू नॉट कम्प्लीटली सरेंडर थ्रू देयर माइंड एंड इंटेलेक्ट. अभी भी ऐसे ही. इट इज द सेम थिंग इवन नाउ. अगर हुए होते. हैड दे सरेंडर देमसेल्व्स इन दैट वे. तो जितना अर्पण में उतना दर्पण पावरफुल हो जाता. देन देयर दर्पण मीनिंग मिरर ऑफ नॉलेज वुड हैव बिकम पावरफुल टू द एक्सटेंट दे सरेंडर देमसेल्व्स. और सन शक्तिवान की शक्तियां आत्माओं को प्राप्त हो जाती. एंड द सोल्स वुड हैव रिसीव्ड ऑल द पावर्स ऑफ द ऑलमाइटी. एक ही बच्चा और एक ही बच्ची. देर इज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर. बच्चे को भी पहले बच्ची से युद्ध करना पड़े. द सन ऑल्सो विल हैव टू फाइट विद द डॉटर फर्स्ट. क्योंकि बच्चा भी कुछ बुद्धि चलाने वाला होगा. इट इज बिकॉज द सन ऑल्सो वुड बी द वन हु यूजेस हिज इंटेलेक्ट टू सम एक्सटेंट. पूरा सरेंडर नहीं होता. He doesn't surrender completely. पूरा सरेंडर हो जाए. If he surrenders completely, तो जिस बच्चे में सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है. The son in whom the supreme soul father enters, वो बच्चे की यादगार पत्थर का लिंग न बनाया गया. The memorial of that son wouldn't have been made as the ling of stone. लिंग कितने प्रकार के बनाते हैं. How many types of ling are made? Someone said three. Swarna ling, rajat ling, tamra ling. The golden ling, that is swarna ling. The silver ling, that is rajat ling. The copper ling, that is tamra ling. Or loha ling, ya patthar ka ling. And the ling made of iron, that is loha ling. और द लिंग मेड अप ऑफ स्टोन दैट इज पत्थर का लिंग. सुप्रीम सोल किस में प्रवेश करता है. इन हुम डज द सुप्रीम सोल एंटर. रजत में प्रवेश करता है. डज ही एंटर द सिल्वर लिंग या तामसी लौह लिंग या पत्थर लिंग में प्रवेश करता है. और इन द डिग्रेडेड आयरन लिंग और द लिंग मेड अप ऑफ स्टोन. समवन सेड द लिंग मेड ऑफ स्टोन. तो सुप्रीम सोल पत्थर की यादगार है. Is the stone the memorial of the supreme soul? या जिसमें प्रवेश करता है वो पत्थर की यादगार. Or is the stone the memorial of the one in whom he enters? Someone said the one in whom he enters is the stone. जिसमें प्रवेश करता है वो कोई बात ऐसी है जिसमें पत्थर बुद्धि बन जाता है. The one in whom he enters. There is one such point in which he becomes the one with a stony intellect. पत्थर को गिनती में डाला जाता है. A stone is counted. कौन सा पत्थर बनता है. What sort of stone does he become? Someone said Paras पत्थर. Paras is a mythical stone which is believed to convert a base metal into gold by a mere touch. हाँ, Paras पत्थर कोई होता थोड़े ही है. Yes, there is no such thing like Paras Patthar. वो तो एक नाम दे दिया है. It is just a name that has been given. किसी ने देखा हो तो बताए.
स्पीक अबाउट इट इफ समवन हैज सीन इट। एक कहावत है, इट इज अ सेइंग कि पारस बुद्धि, पारस बुद्धि मीनिंग पारस लाइक इंटेलेक्ट, उसकी यादगार है। इट इज इट्स मेमोरियल, मान जो संसर्ग संपर्क में आएगा वो ही परिवर्तन हो जाएगा। इट मीन्स हुएवर कम्स इन हिज कॉन्टेक्ट एंड कनेक्शन विल हिमसेल्फ ट्रांसफॉर्म, उसकी यादगार है पारस पत्थर। इट्स मेमोरियल इज द पारस पत्थर, कहने में आता है, होता नहीं है कोई ऐसा। इट इज जस्ट सेड सो बट देर इज नो सच थिंग। प्रैक्टिकल जीवन में, संगम युग में, इन द प्रैक्टिकल लाइफ, इन द कॉन्फ्लुएंस एज, सुप्रीम सोल जिस तन में प्रवेश करता है वो मुकर्रर रथ है। द बॉडी इन विच द सुप्रीम सोल एंटर्स इज द परमानेंट चैरियट, जिसकी यादगार में कहा जाता है पारस नाथ, फॉर हुज मेमोरियल इट इज सेड पारसनाथ। ओम शांति, ओम शांति।